अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, मर्चेंट अकाउंट के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि मर्चेंट अकाउंट है क्या और इसे कैसे बनाया जाता है और इसे कहाँ यूज किया जाता है। सबसे पहले बात करें तो कि मर्चेंट अकाउंट है क्या। दोस्तों, अगर आप कहीं पर दुकान पर या कहीं भी दूध पे या दूध के दुकान पे या फिर कहीं भी कोई भी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि स्कैन पे किया जाता है। वहाँ से स्कैन करके भी पैसा ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। वो हर कंपनी का अलग अलग मर्चेंट अकाउंट होता है, जैसे कि पेफोन का बोले तो पेफोन का अलग होता है, पेटीएम का अलग होता है, तो फ्री रिचार्ज का अलग होता है, सबका अपना अपना मर्चेंट होता है दोस्तों। तो इसे इस तरीके से यूज करते हैं। दोस्तों, मर्चेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है तो चलिए आपको बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप, एकदम ईजी प्रोसेस है। तो चलिए अपने फ़ोन पे चलते हैं, यहाँ पे आपको बताऊंगा कि मर्चेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले बहुत सारे कंपनियों का अलग अलग मर्चेंट अकाउंट होता है, तो चलिए हम एक कंपनी का आपको बनाकर दिखाते हैं कि मर्चेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। चलिए तो हम आपको फ़ोन पे का मर्चेंट अकाउंट बनाकर दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा वहाँ पर सर्च करना पड़ेगा फ़ोन पे बिजनेस। देखिए ये वाला जो देख रहे हैं ये इस टाइप का अकाउंट रहेगा। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। मेरे पास पहले से ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, तो अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लें। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं हम। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप पहले से ऑलरेडी बनाए हुए हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट साइनअप कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। लेकिन आप हमको साइन इन करना, न्यू अकाउंट बनाना, तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, अपना यहाँ पर नाम भर देना, फिलअप कर देना होगा। तो यहाँ पे चलिए हम अपना नाम फिलअप कर देते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपना टाइप कर देना होगा। दोस्तों, मोबाइल नंबर वो आप टाइप कीजिएगा जो कि जिससे आपको पेफोन अकाउंट बना हो। देखिए मेरा ओटीपी आ गया यहाँ पे और अपने से ये डिडक्ट ले लिया है। देखिए कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे बिल्डिंग नेम मांग रहा, तो यहाँ पे हम कर देते हैं कुछ बिल्डिंग नेम अपना। देखिए यहाँ पे लोकेशन कर दिए, अपने से ले लिया है यहाँ पे। और आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सारा फिलअप हो गया है। यहाँ पे सेव अप कर देना है राइट साइड में ऊपर में। यहाँ पर बिजनेस नेम कर डाल देना आपको। चलिए हम कोई शॉप के नाम डाल देते हैं, गोलू किराना कर देते हैं। और यहाँ कैटेगरी में क्या डाल दें, यहाँ पे रिटेल शॉपिंग डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे सेव कंटिन्यू कर देते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख रहा है कि आप किस बैंक में आप पेमेंट लेना चाहते हैं। अगर आपको कोई स्कैन करके पेमेंट देता है तो आप किस बैंक में लेना चाहते हैं, तो आप जिस जो आपको बैंक रहेगा उस नंबर से रजिस्टर, उस बैंक को आप इसमें ढूंढ के सिलेक्ट कर ले। चलिए तो मेरा बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक, तो पेटीएम पेमेंट का बैंक हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पेटीएम पेमेंट बैंक है, तो यहाँ से हम ढूंढ लेंगे। यहाँ से वेरीफाई होगा, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो नंबर्स रहेगा यहाँ पेटीएम लिंक, यहाँ पे एसएमएस सेंड कर देना है जिस नंबर से तेरा मेरा सिम 2 है, तो यहाँ से लिंक हम देखिए यहाँ पर सेंड कर दिए हैं। बैक चले जाते हैं, देखिए मेरा अकाउंट ले लिया है, सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। देखिए मेरा हो गया। अब कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे यहाँ पे चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ कॉन्ग्रेचुलेसन आपको मैसेज दिखा दें हम, यहाँ कॉन्ग्रेचुलेसन पे फॉर बिजनेस अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसा बना है, जो बना है जो यहाँ पर आपको देख दे यहाँ पर ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन होगा, टूजे ट्रांजेक्शन, पेंडिंग वाला यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पे नो ट्रांजेक्शन, अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। इस सेटलमेंट पे भी यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी न्यू अकाउंट मैंने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल पे दिखा दे आपको, देखिए मेरा नाम यहाँ पे आ गया, मेरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आ गया। अब देखिए कि वो कहाँ मिलेगा, वो जो जिसे हम स्कैन करके पे करते हैं, तो यहाँ पर मैनेज क्यूआर कोड पर करें। आपको देखिए यहाँ पर करिएगा क्लिक, यहाँ पर डाउनलोड PDF, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए हम चलिए डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं, बहुत ही आसान प्रोसेस है।
देखिए मेरा गोलू किराना से बनाए थे, ये बनकर रेडी हो गया, तैयार हो गया, आपको अब दिखा दें, आप ये पे कर सकते हैं इसे। तो दोस्तों बहुत ही आसान था ये बनाना। तो अगर आप, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा।